हेलो गाइस, वेलकम माय अदर व्लॉग। और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और कल को भी दिवाली है तो भाई एडवांस में कल के लिए भी दिवाली। और मैं जा रहा हूँ थोड़ी सी दिवाली की शॉपिंग करने, क्योंकि मुझे टाइम मिलता नहीं भाई, क्योंकि मुझे मिठाई वगैरह बांटनी होती है। तो मैं अभी निकला हूँ घर से और थोड़ी शॉपिंग वगैरह करनी है। मतलब कपड़े वगैरह की तो हमने पहले ही शॉपिंग कर ली थी, बट अभी जो हमें छोटी मोटी चीज़ें लेनी है या जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेने के लिए हम लोग निकल चुके हैं। और थोड़ी सी मिठाई भी लेनी है और हो गया ना, और बस मिठाई लेनी है। ये वगैरह ले लिए थे, लाइट वगैरह लग गई थी और बाकी जो चीज़ हैं वो सब हो गई थी। और मैं सोच रहा हूँ कि अपने टीम को भी मीठा दिया जाएगा, तो लेबर को भी मीठा देना है और विवेक को मीठा देना है, और उधर एक भाई है आसिफ, उन्हें मीठा देना कि वो साथ में कैसे रहते हैं, और मोटे लोगों को भी मीठा देना है, और बाकी क्या नाम उसका, मुझे खुद भी मीठा लेना। मोटे लोगों को जिम करवा के क्या देना, मीठा देना। गाइस दे, मीठा तो मीठा होता देना पड़ेगा। शुगर फ्री लगा, शुगर फ्री। तो अभी हम पहुंचते हैं और सोच रहा हूँ कुछ अच्छा सा मीठा ले लें। तो कोई आज की डेट में तुम्हें पता कहीं अच्छा मीठा मिलेगा नहीं, क्योंकि दिवाली का टाइम है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मिलावट होती है। पता नहीं कितने दुकानों पे छापा मारा लगा है, जहाँ पे वो मावा वैसा मावा दे रहे थे मिलावट वाला। देखो साफ सुथरा तो कहीं, वैसे तो बिना मावे की लेनी चाहिए हमेशा, जो भी मिठाई लो ना बगैर मावे की तो कोई मिठाई होती नहीं। सोन पापड़ी होती है दिवाली की चांद है सोन पापड़ी, क्योंकि सबसे सस्ती वही आती है पैकेटों में और ज्यादातर वही लोग तो देते हैं सोन पापड़ी। और पेठा ले लो और बांट दो। हाँ, पेठे में मावा नहीं होता, पर वो पेठा आगरा से लाना चाहिए, फिर देना चाहिए। तुम्हारे लिए महंगा पड़ेगा, दूसरों के लिए दे रहेगा पेठा। तो गाइस पहुंचते हैं और कुछ खरीदते हैं दिवाली का आज, और मिलते हैं आपसे। तो गाइस हम सबसे पहले आ गए हैं कहाँ पे, शगुन स्वीट्स पे। आज नहीं बज रही, पिछली बार उन्होंने गाने बजा रखे थे। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, क्या किया है तुमने? हाँ कल भी सज रहा था, उस दिन तुम मुझे लेने आए थे, तब लेने नहीं आए थे मुझे भी परसों। चलते हैं अंदर, अंदर चलते हैं। क्या सामान लेना, ट्रॉली भी लेनी पड़ेगी क्या, फिर बाहर आना पड़ेगा दोबारा? ना पेठा ना लेना, देख लो क्या लेना। मैं नलू काजू कतली, 2 किलो तो काजू कतली। और मैं नलू काजू कतली क्या लोगे तो बताओ, देख लियो देख लियो बाजी, ये ले लो काजू गुंजिया, ड्राई फ्रूट लड्डू, क्या ले लो बताओ। लड्डू ले बूंदी में तो होंगे, बूंदी लड्डू बूंदी के लड्डू मोटी वाली बूंदी के, छोटी मोटी बूंदी के, मोटी बूंदी के, हाँ मोती चूर वाले होते हैं ये। लिखे तो है नहीं कितने के जी है, कुछ ना कितने रुपये लिखे, ये ले 520। ये वाले लेने, हाँ सेम ये बिल्कुल, आधी आधी किलो में दो जगह करवा देते, फिर वो बड़ा डिब्बा हो जाता, छोटा छोटा दो रहेगा तो बड़े नहीं खाता कोई भी। फिर बेसन के ले लो, तो फिर आधी आधी किलो ये ले लो, आधी बिल बेसन के ले लो। पूरे कोने में बेसन, और क्या है आपका बेसन लड्डू? ये बूंदी लड्डू बोल रहे हैं, आधा किलो बूंदी लड्डू है, आधा बेसन है। एक डब्बे में
आधा किलो का, आधा किलो का डब्बा बूंदी का और आधा किलो का बेसन का और 2 किलो काजू का पूरी। बस बस मेरा तो बस, तुम अपना देख लो, वो ले लो थोड़ी सी कस्टर्ड, वो क्रीम वाली, वो फ्रूट क्रीम खाने के लिए, बस खाने के लिए। तुम अपने, अच्छा है ही नहीं और ज्यादा वो चीज मिलेगी इस टाइम जो गोंद के, मैंने तो ले लिया, मैं और कुछ ले लो। हाँ जी भैया, हेलो, हाँ हो गया, ये भी अब तो ले लिए, बस ले लिया, अभी दो मिठाई तो ले लिए, दो तो ले ली। ये पैकिंग कर देना, अच्छी पैकिंग। हमने ले लिए हैं मिठाइयाँ सबके, अंदर इतना मजा आ रहा था, इतना तेजी से चला, बाहर आते इतने गर्म है। सारे त्योहार एक साथ आते हैं, धनतेरस, दीपावली, दीपावली, गोवर्धन, फिर भाई दूज, फिर गंगा स्नान, 15 तारीख को खत्म होएंगे सारे त्योहार, फिर छठ भी है बीच में, 7 तारीख। और वो उसमें तो पता है कितना वो आ रहा है, वाइट वाइट झाग सारे में, यमुना में वो झाग, कहीं परेसर का पानी आता है ना, सब नहीं, गंदगी का है पूरा। हाँ मतलब गंदगी, कहीं परेसर से गिरता ना ऊपर से पानी, सब मिठाई आ चुकी है सारी, और हमने लिए सगुन स्वीट से, क्योंकि इन्हीं की मिठाई बीकानेर से अच्छी लगने लगी है। मैं पहले बीकानेर या हल्दीराम से लेने पसंद करता था, बट पहले हम बीकानेर, फिर हम आए हल्दीराम, अब उससे भी अच्छा आ गया शगुन स्वीट। हाँ, वो भीड़ कितनी भीड़ है देखो, आज के दिन तो वैसे भी भीड़ होती है, पर वैसे भी मिठाई अच्छी है इनकी। हाँ, और जो चीज सबसे अच्छी है वो तो इस बार रखी नहीं इन्होंने। अब ये वो नुगेरे क्या नाम है उसका, क्राउड डांसिंग होने की वजह से बनी नहीं, क्योंकि रीजन का नॉर्मल बनती है वो, और एक दिन से ज्यादा वो चलती नहीं है, वेस्ट हो जाती है, फ्रूट फ्रूट वो जो होती है रबड़ी, तो वो एक दिन से ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती, फ्रूट क्रीम। तो मिठाई ले ली और बाकी देखते हैं अभी कहाँ चल रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं बिग बाजार जाना है। थोड़ा सा सामान गाइस बिग बाजार से लेना हमें, और उसके बाद हमें डब्बे लेने याद रखना। डब्बे कैसे, मम्मी बोल रही थी ना डब्बे लेने किचन के। अच्छा, गोर में तो दिखे नहीं है, गोर में नहीं है, तो ओवरलैंड जाना पड़ेगा। चलो फिर ओवरलैंड चलते हैं। तो गाइस पहले चावल वगैरह कुछ खा लेते हैं, फिर भूख लग रही है तो नाश्ता भी नहीं करा, अब लगी है सुबह से। बड़ा छोटा, छोटा ले लो, छोटा एमडी अच्छा दिख रहा है, कैच का भी सही हो रहा है, कैच के ही तो लगे हुए सामने, एवरेस्ट का। हाँ बहुत है, मिर्ची कौन सी लेंगे, हेलो, पराठा, मेथी, चाट, राजमा पंजाबी, सोया, हींग, दाल, दाल, चाट, ये तो सब उसके डब्बे हैं। गरम मसाला बाय वन गेट वन फ्री है, चलो एक ले लें। हाँ बस, शॉपिंग वगैरह हो गई है और मीठा भी हमने ले लिया है, और हम अब निकलते हैं अपनी पार्किंग से, क्योंकि हमारा मीठा वीठा सब हो गया, और थोड़ा घर का सामान लेना था वो भी ले लिया हमने, है ना। अब कुछ रहा था नहीं, चलो गाड़ी निकालते हैं, एग्जिट मेरे ख्याल से लेफ्ट ही होगा इसमें, तो मुझे आज ऐसा लग रहा है, मेरा एग्जिट इधर ही है, कितना बिचा बिचा सा नहीं लग रहा। हाँ
वो बड़े मॉलों में जाने की आदत हो गई ना। नहीं बड़े मॉल में नहीं, पार्किंग ही लग रही है। पार्किंग छोटी है, वहाँ उन्होंने बंद कर रखी है, यहाँ चालू कर रखी है, पता ना किस सिस्टम से चालू कर रखी है। पर्ची जो कर रखी थी तुमने? हमें पर्ची दी कब थी? दी नहीं, ली नहीं, 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 नहीं।